पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया के दूसरे दिन बुधवार को पर्चा बिक्री और नामांकन का कार्य जारी रहा। चुनाव प्रक्रिया के तहत बुधवार को पर्चा खरीदारी के अंतिम दिन अध्यक्ष पद के लिए 9, उपाध्यक्ष पद के लिए 12, महामंत्री पद के लिए 9 और पुस्तकालय मंत्री के लिए 9 प्रत्याशियों ने पर्चा की खरीदारी की। वहीं संकाय प्रतिनिधि पद में 19 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्रों की खरीदारी की, जिसमें 17 प्रत्याशियों ने बुधवार को ही नामांकन किया। चुनावी प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आपको बताते चले कि गुरुवार को छात्र संघ पदाधिकारियों का नामांकन होना है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए चुनाव अधिकारी का कार्यभार देख रहे अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर संदीप कुमार ने बताया। आज विभिन्न संकाय प्रतिनिधियों के पदों के निर्वाचन हेतु आज नामांकन था, तो उसमें कला संकाय प्रतिनिधि के उसमें 7 नामांकन हुए हैं, विज्ञान संकाय प्रतिनिधि के लिए 3, विधि संकाय प्रतिनिधि के लिए 3, वाणिज्य संकाय प्रतिनिधि के लिए 2 और शिक्षा संकाय प्रतिनिधि के लिए 2 नामांकन हुए हैं। इन सभी नामांकन कार्यों को नामांकन के लिए 10 बजे से 2 बजे के बीच में नामांकन कार्य हुआ है। आज इसमें कला संकाय के अंतर्गत 7, विज्ञान संकाय के अंतर्गत 3, वाणिज्य संकाय के अंतर्गत 2, विधि संकाय के अंतर्गत 3 और शिक्षा संकाय के अंतर्गत 2 नामांकन हुए। इस क्रम में उसमें अलग तिथि है और अभी कल जो है जो अन्य छात्र संघ चुनाव से संबंधित पद हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री इत्यादि, कल उनका नामांकन होगा है। कल वाले उनके लिए जिन लोगों को पर्चा आज लेना था उसके लिए आज का भी समय उनके लिए था।